यस सर देख यस सर चलो तो लास्ट क्लास में हम लोग ये इनॉट सेल निकालने के लिए बताए थे, क्वेश्चंस कराए थे ना उसके, इनॉट सेल कैसे कैलकुलेट करना है। यस सर चलो आज मतलब लास्ट क्लास में इनॉट सेल हम लोग निकाल रहे थे। इनॉट सेल मतलब कि स्टैंडर्ड, इनॉट मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड कंडीशंस में, ठीक है, जब भी नॉट लगता है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में कैसे ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना है वो देखे थे। अब आज हम लोग देखेंगे अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस दिया हुआ होगा, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर के अलावा कोई और दूसरे टेम्परेचर या प्रेशर पे अगर हमको कैलकुलेट करना है तो उस केस में हम लोग कैसे ई ऑफ सेल निकालेंगे, मतलब ईएमएफ ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे एक फॉलो करते हैं हम लोग नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये है नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन में क्या क्या है। तो सबसे पहले जैसे मान लो कोई, ये एक्चुअली नर्स्ट इक्वेशन किस चीज को बताता है, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ऑन द सेल पोटेंशियल। तो किसे सेल पोटेंशियल में कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस जो है वो कैसे इंपैक्ट करता है, या फिर पार्शियल प्रेशर कैसे इंपैक्ट करता है, या फिर टेम्परेचर कैसे इंपैक्ट करता है, वो चीज बताता है। तो जैसे कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, बैलेंस इक्वेशन, जनरल बैलेंस इक्वेशन ले रहे हैं, ए बी बी सी प्लस डी डी, ठीक है, कोई जनरलाइज्ड फॉर्म में ले लिए। अब इसका इक्विलिब्रियम में तुम लोग पढ़े होगे कि अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वहां पे एक हम लोग रिएक्शन कोशेंट एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। रिएक्शन कोशेंट हम लोग क्यूसी, मतलब रिएक्शन कोशेंट है। तो ये किसी भी टाइम रिएक्शन, जरूरी नहीं है कि इसके लिए इक्विलिब्रियम रहना चाहिए, ठीक है, ये रिएक्शन के किसी भी टाइम पे लिखा जा सकता है। तो और इसका एक्सप्रेशन जो होता है रिएक्शन कोशेंट का, वो सेम एज इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा ही होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ सी पे पावर सी डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ डी पे पावर डी बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर ए और कंसेंट्रेशन ऑफ बी पे पावर बी। तो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होगे, थर्मोडायनेमिक्स में एक ये इक्वेशन आता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अगर निकालना है तो इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैसे रिलेट किया गया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, पढ़े हो ये बताया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में या इक्विलिब्रियम में, दोनों में बताया जाता है, ठीक है, ये इक्वेशन कि गिब्स फ्री एनर्जी कैसे रिलेटेड है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से या फिर रिएक्शन कोएफिशिएंट से। ये एक्सप्रेशन थर्मोडायनेमिक्स में, हेलो, यस सर, ठीक है। तो ये डेल्टा जी होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट क्या हुआ, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज हुआ है वो डेल्टा जी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, और R हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T हो गया टेम्परेचर, और Q हो गया हमारा रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ये नर्स्ट इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। तब ये है, ठीक है ना, ये 1 मोल के लिए डिफाइंड है। यही अगर एक्स मोल के लिए तुमसे पूछा जाए, फॉर एक्स मोल किसी भी सब्सटेंस के एक्स मोल के लिए लिखना हो तो डेल्टा जी आसानी से ये एक्स से मल्टीप्लाई हो, क्योंकि ये डेल्टा जी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा। तो 1 मोल के लिए ये एक्सप्रेशन था, एक्स मोल के लिए अगर तुमसे पूछा जाए तो एक्स इंटू डेल्टा जी सारा को एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स आर टी एल एन क्यू, ठीक है, क्यू सी लिख लो, रिएक्शन कोशेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग 1 मोल के लिए ही करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू।
अब यहाँ पे एक इक्वेशन तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं, डेल्टा जी और सेल पोटेंशियल कैसे रिलेटेड होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, होता है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो यहाँ पे डेल्टा जी के जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नॉट की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो होगा ये, और प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से हम ई ऑफ सेल चाहते हैं, तो ई ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ये माइनस एन एफ जो है उस साइड भेज दो, ठीक है, राइट हैंड साइड माइनस एन एफ भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एन एफ इसमें तो डिवाइड हो जाएगा उधर जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ई नॉट सेल, क्योंकि माइनस एन एफ इसका कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस आर टी की जगह माइनस आर टी बाय ये एन एफ आ गया, और यहाँ एल एन क्यू आ गया, ठीक है। अब इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं, ये एल एन को जब लॉग में बदलोगे तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ एल एन क्यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नर्स्ट इक्वेशन, जो कि किसी भी टेम्परेचर और किसी भी टेम्परेचर पे ये डिफाइन कर सकते हैं, जो भी टेम्परेचर होगा उसका ई नॉट सेल कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो होगा, ठीक है, और इस वैल्यू में पुट कर दो यहाँ पे इस फॉर्मूले में, और यहाँ आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, टी जो है टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में पुट करना है, और एन जो है ये क्या है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या नेट इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो एन है, और एफ जो है वो फैराडेज कांस्टेंट है, मतलब चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू नाइन, कैलकुलेशन के लिए हम लोग 96500 कूलम ले लेते हैं, ठीक है, और क्यू जो है वो तो रिएक्शन देख के निकालोगे, कंसेंट्रेशन वो दिया रहेगा तुमको क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन वैल्यू यूज करते हैं ना, जो भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं ये रूम टेम्परेचर पे करते हैं, इसीलिए 25 डिग्री सेल्सियस, अगर कोई भी टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ है तो रूम टेम्परेचर वाला ही वैल्यू यूज करोगे, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है कि ये देखा गया है कि 2.303 आर और टी, टी हो गया उस समय 298 केल्विन और बाय एफ, तो इसका वैल्यू जब पुट किया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस में तो ये पूरा कांस्टेंट ही हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर फिक्स कर दिए 25 तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। एन वेरी कर रहा है यहाँ पे, एन इसलिए यहाँ नहीं लिखे हैं, तो इसका वैल्यूज जो सब्स्टिट्यूट करके आता है ये नियरली 0.0591 के आसपास, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग डायरेक्टली ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 by n, n हो गया वही number of electrons जितने involve हो रहे हैं, ठीक है उसमें, और यहाँ log q, अब q जो है वो जैसे ऊपर reaction लिखे तो उसके according अगर q लिखना है तो ये क्या आ जाएगा, e of cell is equal to e not cell minus 0.0591 बाय एन। बहुत जगह देखोगे ये 0. राउंड ऑफ करके 0.06 भी हो जाता है, ठीक है, तो उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो देख लेना वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वैल्यूज देख लेना क्वेश्चन में कैसा दिया है, और यहाँ क्यू के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ सी पे पावर सी, जो ऊपर इक्वेशन लिखे थे उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, बी पे पावर बी और कंसेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर ए, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये वाला इक्वेशन कब यूज कर लोगे, डायरेक्टली यूज करना है 25 डिग्री सेल्सियस पे, जब टेम्परेचर तुमको कोई कुछ भी टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ है तब तो तुमको यही वाला इक्वेशन यूज करना है, 25 ही अज्यूम करके सॉल्व करना है, अगर कोई दूसरा टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है तब ये ऊपर वाला इक्वेशन यूज करोगे, क्योंकि वहां पे ये वाला वैल्यू डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, अब वहां टेम्परेचर तुमको पुट करना होगा,
ठीक है। अब इसी में एक और इसका फॉर्म होता है कि एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे तुम लोग को बता चुके हैं, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि डेल्टा जी का वैल्यू हो जाता है जीरो और ई ऑफ सेल का वैल्यू भी हो जाता है जीरो। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इक्विलिब्रियम पे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जीरो होता है और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है सेल का वो भी जीरो होता है। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे एक और चीज लिख सकते हैं कि क्यू सी और के सी ये दोनों सेम हो जाता है। क्यू सी मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट और के सी हो गया इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, ये दोनों सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे ये इक्वेशन किस फॉर्म में मॉडिफाई हो जाएगा, ई ऑफ सेल अगर जीरो पुट कर दोगे तो यहाँ से आ गया ई नॉट सेल इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन और लॉग। अब यहाँ पे क्यू सी रिप्लेस हो गया के सी से, ये भी 25 डिग्री सेल्सियस वाला इक्वेशन है एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम पे एक और चीज देखें हम लोग, तो डेल्टा जी अगर जीरो हो गया तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, एल एन के सी आ जाएगा। और यहाँ से अगर हमको के सी, बहुत जगह देखोगे के सी भी निकालने पूछा जाता है, ई नॉट सेल अगर दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई नॉट सेल, क्योंकि डेल्टा जी नॉट जो है माइनस एन एफ ई नॉट सेल के इक्वल होगा और डेट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन ध्यान रख। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस अगर होगा, अगर वो मेंशन किया हुआ है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तब फिर हम लोग ये वाला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यही है ना इक्वेशन। अभी देखेंगे इसको कैसे अप्लाई करना है हम लोगों को। लिख लियो यहाँ तक, यस सर, क्लियर है ना सबको, फॉर्मूला समझ में आ गया कैसा आया, ठीक है। तो डेरिवेशन देख लो, ये सब स्कूल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कैसे डेराइव कर रहे हैं नॉस इक्वेशन को, तो देख लो एक बार डेरिवेशन। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे सिंपल सा ही क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 2Ag+ और इसका कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर, ठीक है, 0.1 मोलर और प्लस CU सॉलिड और यहाँ पर CU2+ कंसेंट्रेशन 0.2 मोलर और प्लस 2G सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पे दो वैल्यूज हमको दिए गए हैं, एक दिया हुआ है ई नॉट Ag+ से Ag, इसका वैल्यू 0.8 वोल्ट दिया गया है और दूसरा कॉपर का भी दिया हुआ है कि ई नॉट CU2+ से CU, इसका वैल्यू भी 0.34 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको E ऑफ सेल, मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, हम लोग देख ही रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में तुम लोग को कंसेंट्रेशन 1 मोलर लिया जाता है, यहाँ पे तो कंसेंट्रेशन चेंज है, ठीक है। और यहाँ भी कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ है, मतलब 298 केल्विन लोगे जो 25 डिग्री सेल्सियस वाला केस लेके सॉल्व करोगे। तो कैसे अप्लाई करना है नेक्स्ट इक्वेशन, तो पहले हमको क्या करना होगा, जो इक्वेशन दिया हुआ है उससे हमको पहले दो हाफ सेल सेपरेट करना होगा कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा एनोड वाले हाफ सेल पे और कैथोड वाले हाफ सेल पे कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं रिएक्शन एट एनोड हाफ सेल, रिएक्शन एट एनोड, तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा बताओ, तो बता सकते हो किसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन, या किस एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पे देखो, तो कॉपर, कॉपर का हो रहा है। तो Cu जो है सॉलिड ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2+ और इसका कंसेंट्रेशन है 0.2 मोलर, ठीक है, और ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा,
ठीक है, तो ये एनोड वाला इक्वेशन हो गया, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड अगर लिखेंगे हम लोग तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे रिडक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं, इक्वेशन से पता चल ही रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर का हो रहा है, तो सिल्वर का हो रहा है मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बैलेंस बाद में कर लेंगे ठीक है, बैलेंस एक्चुअली करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए, तो Ag+ जो है जिसका कंसेंट्रेशन कितना है 0.1 मोलर, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये Ag में कन्वर्ट होगा, Ag सॉलिड में। अब जो नेट इक्वेशन होगा ना उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे देखो कॉपर दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इस वाले इक्वेशन को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना, नेट इक्वेशन आ जाएगा नेट रिएक्शन लिख सकते हैं हम लोग कि Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस और इसका कंसेंट्रेशन है 0.1 मोलर और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है Cu2 प्लस 0.2 मोलर और प्लस 2Ag सॉलिड, जो ऊपर दिया था नेट इक्वेशन वही हो गया, आ गया ना नेट इक्वेशन। अब इसको देखो जो एक्चुअली जो कॉन्वेंशन होता है ठीक है, जो रूल बताए थे रिप्रेजेंट करने का, तो हमेशा एनोड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं हम लोग या राइट हैंड साइड में, बताओ तो जो रिप्रेजेंटेशन बताए थे एनोड, हाँ तो एनोड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करना है और कैथोड को राइट हैंड साइड में, तो एनोड में यहाँ पे हो रहा है कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कॉपर Cu सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये Cu 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और इसका कंसेंट्रेशन कितना है 0.2 मोलर, तो ये एनोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और इसको हम लोग सेपरेट करेंगे डबल लाइन से जो कि सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है, और यहाँ पे इस साइड हम लोग लिखेंगे कैथोड वाला, तो कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है मतलब Ag प्लस जो है ये 0.1 मोलर से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया ठीक है, तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये लिखाए भी थे तुम लोगों को रूल्स कैसे IUPAC के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे हमको E of cell निकालने के लिए सबसे पहले E not cell चाहिए, तो E not cell का फॉर्मूला तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं, ये क्या है SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और ये रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये दोनों में से कोई एक वैल्यू तुमको दिया रहेगा ठीक है, कैथोड और एनोड दोनों का, तो यहाँ पे ऑलरेडी तुमको देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, वैल्यूज देख के ही पता चल रहा है, मतलब Ag प्लस से Ag वाला वैल्यू दिया गया है, तो कौन सा वैल्यू वो दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल है या दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, वही हमको चाहिए था, तो यहाँ पे देखो एनोड कौन सा है कॉपर है और कैथोड पे है सिल्वर, तो पहले कैथोड वाला लिखोगे मतलब 0.8 वोल्ट माइनस ये क्या आ जाएगा 0.34 वोल्ट, तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ गया 0.46 वोल्ट आ गया, ये इनोड सेल आ गया। अब डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर नहीं मेंशन किया हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली 25 वाला यूज कर लोगे, E ऑफ सेल इज इक्वल टू इनोड सेल माइनस 0.0591 बाय एन। अब देखो तो नेट इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, दो, तो एन का वैल्यू यहाँ पे हो गया 2 और लॉग, अब देखो यहाँ पे लॉग यूज कर, अब कंसेंट्रेशन कैसे लिखेंगे, तो कंसेंट्रेशन हमेशा जो आएगा ये क्यू का जो एक्सप्रेशन आएगा वो हमेशा तुमको नेट इक्वेशन से ही पता चलेगा कि प्रोडक्ट साइड में क्या है बाय रिएक्टेंट साइड में क्या है, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट साइड में सॉलिड का कंसेंट्रेशन तो लिखते नहीं है हम लोग, हमेशा एक्को साइंस का ही कंसेंट्रेशन रिप्रेजेंट करोगे, तो प्रोडक्ट साइड में किसका कंसेंट्रेशन आएगा, देखो कंसेंट्रेशन अब क्या आ जाएगा Cu2+ इसी का लिखना होगा ना, और बाय नीचे रिएक्टेंट साइड में किसका कंसेंट्रेशन लेना होगा Ag+ और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 है
तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब ये देखो, ई नॉट सेल तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.46 वोल्ट माइनस 0.0591/2, और यहाँ पे लॉग, और यहाँ सी यू टू प्लस का कंसेंट्रेशन कितना है, यह है 0.2, और ए जी प्लस का कंसेंट्रेशन कितना हो गया, 0.1 है, और उसका होल स्क्वायर करोगे, 0.1 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.01 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करके ये कितना आ रहा है, सिंपलीफाई कर लो आसानी से आ जाएगा, सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, 20 आ जाएगा ना, तो log 20 को क्या लिख सकते हो, log 10 प्लस log 2 लिख सकते हो, और log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा और log 2 का वैल्यू 0.301 है, तो दोनों को ऐड करोगे 1.301 आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना, ये हो गया 0.0591/2, और ये log 20 हुआ तो log 20 को log 10 प्लस log 2 कर दिए, log 10 का वैल्यू 1 हो गया, log 2 का वैल्यू पता ही है 0.301, तो दोनों ऐड होगा तो ये हो गया 1.301। ठीक है, अब चलो अब इसको सिंपलीफाई करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। जीरो पॉइंट फोर टू वन कितना आ गया, 0.421। ठीक है, सबका इतना ही आ रहा है, कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा यहाँ से। और दूसरा चीज यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है डेल्टा जी कितना है, तो डेल्टा अगर ई ऑफ सेल आ गया तो डेल्टा जी निकालने के लिए क्या पुट कर दोगे, माइनस एन एफ सेल। ठीक है, यहाँ से n का वैल्यू तुमको पता ही है, f का वैल्यू भी जानते ही, और e ऑफ सेल जो आया यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये डेल्टा g भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको कैसे अप्लाई करना है, ये एक तरीका हुआ, एक और तरीका है इसको अप्लाई करने का। ठीक है, पहले देख लो इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हेलो, बताओ जल्दी से, नहीं तो दूसरा तरीका बताओ। सर हो गया, सर हो गया, हो गया ना। चलो एक और है इसका सेकंड मेथड भी, इसको अप्लाई करने का, दोनों में से जो भी मेथड सुटेबल लगे वो कर लेना। तो सेकंड मेथड में क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग करते हैं, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल पहले एनोड का निकाल लेते हैं, ठीक है, और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग ई ऑफ सेल का ही डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन ही यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग दोनों के लिए निकाल रहे हैं, तो ई ऑफ सेल क्या हो गया, तो E of cell is equal to reduction potential of cathode minus reduction potential of anode। ठीक है, तब ये reduction potential दोनों का हम लोग अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग reduction potential के बारे में बात कर रहे हैं, पहले निकाल लेते हैं reduction potential of anode। तो reduction potential of anode, तो anode पे यहाँ पे कौन सा equation हो रहा है, anode पे हो रहा है oxidation, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है, सीयू से सीयू टू प्लस जा रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे किस चीज का बात कर रहे हैं, हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं यहाँ पे,
रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का कैलकुलेट कर रहे हैं. तो एनोड हो, एनोड पे है इन्वॉल्व्ड कौन सा है, कॉपर इन्वॉल्व्ड है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो सी हम लोग उल्टा लिखेंगे उसका, Cu2+ ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये Cu सॉलिड में, ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में हमको चाहिए क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए, इसलिए हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल Cu2+ से Cu, तो ये क्या आ जाएगा, इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं. तो इसके लिए E0 हमको पता है, E0 यहाँ पे यही वाला लिख लो, स्टैंडर्ड कंडीशन वाला Cu2+ से Cu, ये हम ऑलरेडी पता है, वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, -0.0591 बाय यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है दो और लॉग. अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में देखो कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट साइड में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्रोडक्ट में वन लेना होगा हमको, ठीक है, और रिएक्टेंट साइड में कंसेंट्रेशन लेना है तो वो Cu2+ है, तो Cu2+ का और उस पर पावर वन होगा, तो कंसेंट्रेशन कितना आ जाएगा, Cu2+ का कंसेंट्रेशन 0.2 दिया हुआ है, तो यहाँ से 0.2 पुट कर दो, ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली आ गया E of Cu2+ से Cu, ठीक है, और E0 इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 0.34 वोल्ट दिया हुआ है, माइनस ये 0.0591 बाय 2 और ये कितना आ जाएगा, लॉग 5 हो गया, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देना, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल किसका आ जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का आ गया. उसी तरह नेक्स्ट हमको निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो कैथोड में यहाँ पे कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व है, सिल्वर वाला, लेकिन उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा है तो Ag+ जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Ag सॉलिड में. अब इसके लिए सेपरेटली हम लोग लिख रहे हैं, तो इसके लिए सेपरेटली क्या आ जाएगा, E ऑफ Ag+ से Ag, ये क्या हो गया, E0 Ag+ से Ag माइनस 0.0591. अब इस इक्वेशन में देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं, दो, सॉरी एक ही है, क्योंकि एक Ag+ एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सॉलिड, एक Ag सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है 1, तो n का वैल्यू हो गया 1, और यहाँ भी लॉग, अब क्यू लिखोगे तो यहाँ भी प्रोडक्ट साइड में कंसेंट्रेशन कुछ नहीं है तो 1 होगा ऊपर, बाय रिएक्टेंट साइड में Ag+ का कंसेंट्रेशन आएगा जो कि 0.1 दिया हुआ है, तो यहाँ लॉग 10 हो. अब यहाँ पुट करो तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, E0 Ag+ से Ag, ये 0.8 वोल्ट दिया हुआ है, तो 0.8 वोल्ट माइनस 0.0591 और ये क्या आ जाएगा, लॉग 10 हो जाएगा, तो लॉग 10 का वैल्यू 1, तो यहाँ से तुम्हारा Ag+ से Ag ये रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का आ गया. तब डायरेक्टली हम लोग ये सेल निकाल सकते हैं यहाँ से, ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो जो भी आएगा दोनों का वैल्यूज कैथोड वाले में एनोड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे डायरेक्टली ये सेल आ गया. समझ में आया क्या किए, दोनों के लिए सेपरेटली हम लोग नर्स इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं. वहां पे पहले क्या किए थे, पहले वाले प्रोसेस में पहले E0 हम लोग निकाले थे, उसके बाद हम लोग कंबाइंडली जो कंबाइंड इक्वेशन या नेट इक्वेशन आया था उसके लिए नर्स्ड इक्वेशन अप्लाई किए थे. यहाँ पे कैथोड और एनोड दोनों के लिए सेपरेटली नर्स्ड इक्वेशन अप्लाई करके हम लोग ई सेल निकाल रहे हैं. डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? यस सर. दोनों में से जो भी प्रोसेस सुटेबल लगे, जो भी स्टेप सही लगे, कौन सा प्रोसेस आसान है, पहला वाला या दूसरा? सर इजी तो दूसरा वाला, लेकिन लंबा है हल्का सर. हाँ, सेकंड वाला कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा. हाँ, थोड़ा सा देख लो, अब अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जो भी आसान लगे उसको अप्लाई कर लेना, ठीक है. दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ऐसा नहीं है कुछ अलग आएगा. उसमें तुमको एक ही बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा लॉग वाला, इसमें दो दो बार अलग अलग जगह पे लॉग का कैलकुलेशन है, ठीक है. चलो तब एक दो क्वेश्चन देते हैं इस पे, ठीक है, करो खुद से. लिख लियो ना ये? यस.
चलो तो क्वेश्चन दे रहा है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन, एमजे सॉलिड, एमजे टू प्लस, 0.00 वन मोलर, ये सीओ टू प्लस, 0.0001 मोलर से सीओ सॉलिड। पहला ये है, इसका ईसेल निकालना है, ठीक है। दूसरा एफ ए सॉलिड से एफ ए टू प्लस, 0.001 मोलर, एच प्लस, एच टू गैस, और इसका प्रेशर दिया हुआ है 1 bar, पी टी सॉलिड, ठीक है। और तीसरा है पी टी सॉलिड जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो मोलर, एच टू गैस, 1 bar, सॉलिड, ठीक है। सबके लिए ई सेल निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन है, इसके लिए तुमको कॉपर का तो ऑलरेडी जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किए थे वही वाला वैल्यू यूज कर लेना। मैग्नीशियम का दिया हुआ है यहाँ पे प्रोडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इनोट जो है कॉपर का 0.34 वाला ही यूज कर लेना, 0.34 वोल्ट। मैग्नीशियम का हो जाएगा इनोट एमजी टू प्लस से एमजी, ये वैल्यू दिया गया है -2.36 वोल्ट, ठीक है। और आयरन का भी यहाँ दिया हुआ है ई नॉट एफ ई टू प्लस से एफ ई, ये दिया हुआ है -0.44 वोल्ट। और हाइड्रोजन वाला एस एच ई का तो जानते ही हो, वो तो जीरो लेते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों। कॉपर का कितना है सर? कॉपर का जो प्रीवियस केस में यूज किए थे 0.34 वोल्ट वही लिए थे ना, देख लो। हाँ 0.34 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। और यहाँ पे ब्रोमीन का भी दिया हुआ है थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए, ए नॉट Br से Br2, वोल्ट। चलो करो तीनों क्वेश्चन करो।
सर पहला वाला का 2.670, हेलो हाँ हेलो, फर्स्ट वाले का आया आंसर? सर 2.670। 2.670, हाँ सही है। चलो ई ऑफ सेल फर्स्ट वाले का है ये। फर्स्ट का आंसर है 2.670 वोल्ट। सबका आया है फर्स्ट वाला? हेलो, जिसका आ गया वो आगे 2-3 करो। आया सेकंड?
सर इसका गलत लग रहा हमको, मेरा आया सर 44.029। 44.029 लक्ष्मण कहाँ से चला जाएगा? नहीं नहीं गलत है, चेक करो। 0.528 है आंसर। अच्छा ये तीसरे वाले में ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, तो Br2 से Br- का ये वैल्यू। सेकंड वाले का आंसर है, किसी का आया तो बताओ, 0.528 वोल्ट है सेकंड वाले का, जिसका कैलकुलेशन एरर है वो एक बार चेक कर लो। सर सेकंड वाला बता दीजिए। सेकेंड वाला बताना क्या है इसमें? हाइड्रोजन वाला जो है, हाइड्रोजन वाले का तो जीरो होता है ना रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों वैल्यू जीरो होता है। यस सर। E नॉट का वैल्यू जीरो होगा कंप्लीटली। कंप्लीट मतलब E नॉट का वैल्यू जीरो होगा हाइड्रोजन का ना सिर्फ। हाँ हाइड्रोजन वाले का, उसका वैल्यू कितना आया है जो कैलकुलेट किया और रिडक्शन पोटेंशियल? एनोड का कितना आया है सर? 0.44। अरे वो तो इनोट का वैल्यू दिया हुआ है ना। ई ऑफ सेल कितना आया है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं पूछ रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो 0.44 दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया है एनोड का? चलो देखो सेकंड वाला। यहाँ पे हम लोग करेंगे पहले रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ऑफ सेल में। तो एनोड पे यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? आयरन का हो रहा है, Fe से Fe2+, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो Fe2+ जो है ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये किसमें कन्वर्ट होगा? Fe सॉलिड में, ठीक है। और इसका हम लोग ई ऑफ Fe2+ से Fe कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू ई नॉट Fe2+ से Fe माइनस 0.0591 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है दो, और ये लॉग, और यहाँ पे Q कितना है, ये 1 बाय क्या आ जाएगा देखो, तो डिवाइडेड बाय ये Fe2+ का कंसेंट्रेशन कितना दिया हुआ है इसमें, 0.001। तो 10 to the power -3 है। यस सर। तो 10 to the power -3 ऊपर ले आओ, 10 to the power 3 मतलब 3 log 10 हो गया, मतलब 3 हो गया, है ना, ये हो गया माइनस, ये वैल्यू दिया हुआ है माइनस 0.44 वोल्ट, और ये हो गया 0.0591 बाय 2, और ये 3 log 10 हुआ था ना, 3 log 10, log 10 का वैल्यू तो 1 हो गया, तो ये सिंपली यहाँ पे 3 आ गया। तो इसको सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है, ये माइनस 0.44 वोल्ट, और ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो तो करके कितना आ रहा है, शायद ये आएगा एक मिनट 0.0591 × 3/2, हाँ तो यह आ रहा है 0.088 के आसपास,
ठीक है, अब दोनों को यहाँ पे माइनस में ये सब्ट्रैक्ट कर लो, तो -0.528 आया वोल्ट, ये रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का आया। ठीक है, यस सर। चलो इसी तरह अब रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का करेंगे हम लोग, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो ये क्या हो जाएगा कैथोड के लिए, H प्लस जो है ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये H2 में कन्वर्ट हो रहा है, यही हो रहा है ना, 2H प्लस कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे 2H प्लस जो है दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और H2 में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका ई सेल निकाल रहे हैं H प्लस से H2, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड वैल्यू तो जीरो होता है, जीरो वोल्ट, ये नॉट का वैल्यू होता है ना जीरो वोल्ट, यस सर। -0.0591 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व टू कर लो, और यहाँ पे देखोगे लॉग लिखोगे। अब लॉग जो लोगे यहाँ पे, यहाँ तो गैस है, तो गैस का तो पार्शियल प्रेशर कंसिडर करेंगे हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाय, और राइट हैंड साइड में क्या है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, H प्लस का कंसेंट्रेशन, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर करना होगा हमको, ठीक है। तब यहाँ देखो कितना आ रहा है, सॉल्व करोगे तो ये जीरो वोल्ट और ये 0.0591 बाय 2, और यहाँ देखो तो पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 बार दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे कंसेंट्रेशन कितना दिया हुआ है एच प्लस का, 1 ही दिया हुआ है, 1 मोलर, तो 1 बाय 1 लॉग 1 ही हो जाएगा ना, लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है, जीरो हो गया वहां पे, यस सर। तो ये तो पूरा वैल्यू क्या हो गया, जीरो, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड तो पूरा जीरो हो गया, तो यहां से ई ऑप्शन तो डायरेक्ट आ गया ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो कैथोड का तो पूरा जीरो वोल्ट ही है और एनोड का कितना है, माइनस 0.528 वोल्ट, तो माइनस इंटू माइनस ये क्या हो गया प्लस, तो प्लस 0.52 वोल्ट, ठीक है, ये हो गया आंसर। आया बात समझ में, यस सर। चलो ठीक है, तो ये सेकंड वाला हो गया, कोई डाउट नहीं है ना, कोई भी तरीका तुम लोग यूज कर सकते हो, फर्स्ट मेथड से भी बना सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, नेट इक्वेशन लिखते उसके बाद फिर डायरेक्टली उसके लिए अप्लाई कर देते नेक्स्ट इक्वेशन। तो इसी तरह थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड वाला जो है तुम लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये ट्राई करना, ये वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, ये ट्राई करना, ये भी देख लेना कौन से स्टेप से आसान होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ई ऑफ सेल निकालना है इसके लिए भी, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लेना, नेक्स्ट इक्वेशन तुम लोग का हो गया है कम्प्लीट। तो यहाँ पे गैल्वेनिक सेल का ये सब कैलकुलेशन वाला पार्ट में ये सबसे लास्ट पार्ट था, इसमें देखो अभी एक दो क्वेश्चन वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले भी कराएंगे, ठीक है, तो पहले ये इतना करके रखना, नेक्स्ट इक्वेशन वाले क्वेश्चन सब बुकलेट से कर सकते हो आराम से, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और कराएंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। अभी गैल्वेनिक सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल में। दूसरा वाला जो सेल के बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। डाउट है इसमें देख लो कैसे अप्लाई करना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रैक्टिस कर लेना नेक्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन, सब प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी फास्ट करने का कोशिश करना, लॉग वॉक का वैल्यूज देख लेना एक बार, आयोनिक में पढ़े ही होगे, तो जो लॉग 1 से 10 तक एटलीस्ट वो तो याद ही रखना है तुम लोगों को, वैल्यूज याद है या नहीं लॉग का, वो देख लेना, हाँ 1 से 10 तक एटलीस्ट याद कर लेना, और एंटी लॉग लेने तुम लोग को बताया गया होगा आयोनिक में, याद है, यस सर, यस सर, बेस, हाँ, तो वो भी एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि लॉग वाला कैलकुलेशन आने वाला है इसमें बहुत सारा, तो बेसिक एंटी लॉग कैसे कन्वर्ट करते हैं, लॉग एंटी लॉग में कैसे लेना है, तो वो सब एक बार देख लेना, आयनिक में वो सारा चीज बताया गया है, एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से,
क्योंकि वो सब जरूरत पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली तुमको आना चाहिए वैल्यूज, ठीक है ना? तो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, बुकलेट में देखना, नॉट्स इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं काफी, देख लेना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देंगे, दो तीन क्वेश्चंस, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट करेंगे। ओके सर। कोई डाउट है इसमें, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। हेलो, नहीं पूछना है ना? नो सर। चलो ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग।